सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं सप्रकाशं व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृप्यत्वेन पारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक् परमः तदेव अन्नमुक्तम्। हरि किं एव महोदय, तत्? आडिबल हाँ, श्रूयते न, इति। क्लेशः नास्ति, शृणोमि। अस्तु अस्तु। कल हमने देखा था कि छह अनादि है सिद्धांत में, वेदांत सिद्धांत में छह अनादि है। अभी कहते उत्पत्ति शून्यत्वम स्वरूपता अनादित्वम। ये अनादि क्या है? उत्पत्ति शून्यत्वम, जो स्वरूप से उत्पत्ति शून्य है, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती स्वरूप से, उसको अनादि कहा। महोदय, अत्र ईश्वरः अपि अनादि वा? हाँ, ईश्वर अपि एवमेव, जीवः ईश्वरः ब्रह्म परस्परं भेदः अनयोः जीवेशयोः अविद्या अविद्या चैतन्यो संबंध योगः षड् अस्माकं अनादयः। अत्र उच्यते उत्पत्ति शून्यत्वं स्वरूपता अनादित्वं। तो क्या कह रहे हैं? उत्पत्ति शून्यत्वं, उत्पत्ति नहीं होती स्वरूप से, उसको अनादि कहा। तो अभी जीव की उत्पत्ति स्वरूप से होती है कि नहीं होती है? हमने देखा कि अगर उत्पत्ति होगी तो उत्पत्ति से पहले क्या था? जीव नहीं था। तो कहां से उत्पन्न हुआ? अगर कहीं से उत्पन्न हुआ तो फिर से उत्पन्न हो सकता है, तो संसार फिर से प्राप्त हो सकता है। इसीलिए क्या होगा कि मोक्ष अनवस्था मोक्ष कभी भी नित्य नहीं होगा। अगर मिल जाएगा तो भी कभी भी जीव पुनः उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा ऐसी शंका आएगी। इसीलिए क्या है कि मानना पड़ेगा कि जीव अनादि है। उत्पत्ति शून्यत्वम स्वरूपता अनादित्व षडपि एतानि अनादीनि भवन्ति उत्पत्ति शून्यत्वात् सम्मतवत्। जैसे मानते हैं कि उत्पत्ति अगर नहीं होगी किसी की तो अनादि है। जैसे नैयायिकों का प्राग भाव क्या है? समाप्त हो जाता है। प्राग भाव घट, प्राग भाव घट से पहले घट का प्राग भाव था, तो कब से था? घट अभी उत्पन्न हो रहा है, तो घट तो उत्पन्न हो रहा है, तो घट पहले नहीं था। अगर घट पहले नहीं था तो घट के पहले घट का प्राग भाव था। ये प्राग भाव कब से था? प्राग भाव अगर अनादि नहीं होगा तो घट, देखिए घट और घट का प्राग भाव क्या है इनका, तो ये क्या है कि ये विरोध होता है। अगर घट होगा तो प्राग भाव नहीं होगा, प्राग भाव होगा तो घट नहीं होगा, प्रतियोगी संबंध है उनमें। तो अगर घट की उत्पत्ति हो रही है उसके पहले प्राग भाव था, तो प्राग भाव को अनादि मानते नैयायिक। तो सम्मतवत, जैसे नैयायिक या कोई भी सम्मत, जिसकी उत्पत्ति नहीं होगी उसको उत्पत्ति शून्य जो है वो, जो भी उदाहरण देकर पूर्व पक्षी या कोई भी दर्शन माने कि जिसकी उत्पत्ति नहीं होती वो अनादि है, वस्तुतः किसी की उत्पत्ति नहीं होती और वो अगर है तो वो अनादि ही मानते हैं सम्मतवत। वैसे ही षड अपि एतानि अनादीनि भवन्ति। ये छह क्या है? षड छह जो है ये अनादि है। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति शून्यत्व हेतु तो हो गया, जैसे सभी मानते सम्मतवत। अथवा दूसरे पद्धति से बताते, अथवा अहंकारादी नाम श्रुतौ उत्पत्ते श्रूयमाणत्वात्। पूर्व पक्षी कह रहा है आप तो कह रहे हैं ये उत्पत्ति नहीं है इसीलिए अनादि है। जीव कौन है? जीव वो है जिसके अंतःकरण के साथ संबंध है। तो ये अंतःकरण अहंकार इत्यादि जो है जिनके साथ संबंध होकर चैतन्य का जीव बन रहा है, अहंकार इत्यादि की तो उत्पत्ति होती है। अगर अहंकार की उत्पत्ति होगी तो जीव की उत्पत्ति होगी, तो आप कैसे उसको हेतु बनाएंगे उत्पत्ति शून्यत्वम? जीव की अगर उत्पत्ति होगी तो अनादि तो नहीं होगा, ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा है। इसलिए अथवा कह रहे हैं,
दूसरा बता रहे, दूसरे और से समझा रहे कि अहंकार आदि नाम श्रुतौ उत्पत्ते श्रूयमाणत्वात् तेषां स्वरूपता अनादित्व अभावे अपि। स्वरूप से जो अनादि कहा, क्योंकि उत्पत्ति शून्यत्व स्वरूप से ही है, स्वरूप से अनादित्व कहा आपने, तो स्वरूप से तो अनादि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि श्रुति में अहंकार इत्यादि की उत्पत्ति कही गई है। इसीलिए क्या होगा कि जीव जो अहंकार से जुड़ जाता है, चैतन्य जो अहंकार के साथ जुड़कर जीव बनता है, जीव की तो उत्पत्ति होगी, चैतन्य की उत्पत्ति नहीं होगी। किंतु चैतन्य का जो आध्यासिक तादात्म्य संबंध है अहंकार इत्यादि के साथ, अहंकार की उत्पत्ति अगर होगी तो तब जाकर जीव की उत्पत्ति होगी। संबंध चैतन्य का तभी होगा, अगर अहंकार नहीं होगा तो संबंध कैसे होगा। इसीलिए अहंकार की उत्पत्ति के बाद ही चैतन्य का अहंकार के साथ आध्यासिक तादात्म्य संबंध होकर जीव की उत्पत्ति होगी। इसीलिए स्वरूपता अनादित्व अभावे कस्य अहंकारादिनम, केशाम अहंकारादिनम। इसीलिए जीव का भी स्वरूप से तो अनादित्व नहीं कह सकते, इसीलिए क्या कहेंगे, अनादित्वाभावे अपि प्रवाहत अनादित्वम एष्टव्यम्। अहंकार इत्यादि का प्रवाहता अनादित्व में, प्रवाहता माने क्या कि जैसे पूर्व सृष्टि में था वैसे ही इस सृष्टि में भी अहंकार इत्यादि सूक्ष्म शरीर का प्रवाह चलते रहेगा। तो प्रवाह से तो नित्य ही होगा, और प्रवाह से जैसे माया प्रवाह से नित्य कहते हैं, वैसे ही सभी जो है पदार्थ नित्य बन जाएगा प्रवाह से। जैसे पहले था वैसे ही सृष्टि होती है, जगत की सृष्टि भी जैसे पहले थी वैसे ही ईश्वर सृष्टि करते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा, एवं एव सकल वस्तु नाम अपि सिद्धम एव अनादित्व, सभी वस्तु अनादि सिद्ध हो जाएंगे। इसमें कोई दोष नहीं है, अनादि है किंतु अनंत नहीं है, ये भेद है। हमने देखा था कल कि अनादि है, इसका अर्थ ये नहीं कि अनंत है, वो शांत ही है, अंत तो होगा, विद्या से अंत हो जाएगा। ब्रह्म को छोड़कर बाकी सबका प्रवाह नित्यत्व होगा और सबका अंत हो जाएगा। कैसे अंत हो जाएगा, ज्ञान से। तो एवं सकल वस्तु नाम अपि सिद्धम एवं अनादित्व, तो घटादि वस्तु जो है वो नहीं है करके नहीं कह सकते, क्योंकि बीज अवस्था में रह जाएंगे, प्रलय में भी बीज अवस्था में रह जाएंगे, प्रपंच बीज अवस्था में रह जाता है। इसीलिए घटादिकम वस्तु नास्ति इति व्यवहार योग्य कालस्य एव अभावः, ऐसा कोई व्यवहार काल ही नहीं होगा। घटादि प्रपंच, घटादि से प्रपंच कह रहे, अगर एक व्यक्ति लेंगे घटा तो उसकी तो उत्पत्ति, उसका तो उत्पत्ति और नाश होगा, किंतु घटादि जो प्रपंच है उसका नाश कभी नहीं होता, अदर्शन हो जाता है। धातु का अर्थ भी क्या है, नश अदर्शने, तो अदर्शन हो जाता है, बीज अवस्था में उसका अव्यक्त रूप होता है और व्यक्त दोबारा हो जाता है। और व्यक्ति घट का भी क्या कहेंगे, सत्ता जाती नहीं, इसलिए नाश नहीं होता। तो घटादि वस्तु नास्ति ऐसा नहीं कह सकते, घट क्या हो जाएगा, मृदावस्था में या तो कपाल या तो उसके जो टुकड़े हैं उनमें रह जाएगा घट, और पुनः उत्पत्ति हो सकती है। इसीलिए कहते हैं घटादिकम वस्तु नास्ति इति व्यवहार योग्य कालस्य अभावः। या क्या कह सकते हैं कि ये जब तक वृत्ति काल है तब तक घट दिख रहा है, इसीलिए कि वृत्ति तो क्षणिक है, इसीलिए घटादि भी क्षणिक है। तो कभी कहेंगे आप, जब भी प्रतीति हो रही तब तो घट है, और जो प्रतीति नहीं हो रही है तब उत्पत्ति होकर चला गया, तो ये घट नहीं है करके नहीं कह सकते। आगे जाकर भी ऐसा कोई व्यवहार योग्य काल नहीं होगा करके कह रहे, बीज अवस्था में रह जाएगा कह भी सकते, ऐसे समझना चाहिए इसको। तो प्रपंच के अर्थ में दिया है घटादि वस्तु, तस्मात घटादि नाम प्रवाह। हाँ जी, अच्छा, एक थोड़ा सा यहाँ पर विरोधाभास है। ये अनादि, अनादि कोई भी अनादि हम जो बोलते हैं वो नित्य नहीं होता ना, एक्चुअली ये डिफरेंस है इसके अंदर। हाँ देखिए, अनादि है इसका अर्थ, देखिए नित्य माने क्या, अनादि भी और अनंत भी। नित्य माने क्या कि त्रिकाल में भी नित्य होना चाहिए, तीनों काल में होना चाहिए। जैसे हमने देखा भी रज्जु सर्प तो तीनों काल में नहीं रहता, कल हमने देखा कि पूर्व में है, भूतकाल में है, तब जाकर यहाँ प्रतीति हो रही है। तो वर्तमान काल में जब ये रज्जु सर्प दिख रहा है वैसे ही प्रपंच बता रहे हैं, तो प्रपंच भी रज्जु सर्प जैसा ही है जिसका बाद हो जाएगा, भविष्य में सर्प का बाद हो जाएगा। तो
तो रज्जु में सर्प अभी जब भी दिख रहा है वर्तमान काल में, जिसको प्रतीत हो रहा है भ्रम है, उसको कहेंगे ये सर्प है, वो कहेगा सर्प है, कभी है वर्तमान काल में है, तो अभी कहेंगे ये सर्प की उत्पत्ति कभी हुई, वो कहेगा मुझे नहीं पता कभी हुई, तो पहले भूतकाल में कहीं तो होगा, इसे इस बिल में था इसीलिए अभी ये बाहर आया है और यहाँ प्रतीत हो रहा है, तो भूतकाल में था वर्तमान काल में है, पर भविष्यत काल में क्या होगा कि जब भी उसको ज्ञान हो जाएगा रज्जु का तभी सर्प चला जाएगा। तो अनादि कहेंगे कि ये भ्रम कब से है उसको, रज्जु सर्प कब से दिख रहा है, तो कहेगा सर्प तो मुझे दिख ही रहा है, कब से दिख रहा है, मैंने जब से देख रहा हूं तब से दिख रहा है, तो उसको अनादि कहेंगे। वैसे ये प्रपंच जो है ये जब भी दिख रहा है, या स्वप्न में देखिए, स्वप्न में अगर कुछ दिख रहा है, स्वप्न में एक हाथी दिख रहा है और हाथी के पीछे पहाड़ दिख रहा है, आपको पूछेंगे कि ये पहाड़ कब से दिख रहा है, या आप जो देख रहे हो आपकी उत्पत्ति कभी हुई वहां पे, तो स्वप्न जब भी देख रहे हो आप तभी तो आपकी उत्पत्ति हुई करके भान नहीं होता, क्या कहते हैं, सोचते भी नहीं है कि मेरा जन्म कभी हुआ था, स्वप्न में सोचते हैं क्या, अभी सोचेंगे कि अभी चलिए बर्थडे मनाएंगे, जन्मदिन मनाएंगे, तभी कहेंगे अरे मैं इस दिन मेरा शरीर उत्पन्न हुआ था, नहीं कहेंगे इस दिन मेरा जन्म हुआ था, अभी मैं 70 वर्ष का हो गया, 64 वर्ष का हो गया, इत्यादि कहेंगे, तो कभी कहेंगे जागृत अवस्था में सोचकर कहेंगे कि अरे बचपन में ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, पर स्वप्न में आप सोचते हो क्या कि जन्म कभी हुआ था, ये भी नहीं सोचते, प्रपंच कभी आया, कैसे उत्पन्न हुआ, मैं यहां कैसे पहुंचा, क्वचित आता है सब, पर आकर ऐसा विचार आकर भी चला जाता है, तो तब क्या कहेंगे, जब से है तब से है, जन्म क्या, जन्म से माने अनादि ही है, इसीलिए क्या है कि प्रपंच क्या है कि अनादि ही है, बीज अवस्था में था और उसके बाद, क्योंकि सृष्टि क्या है, सृष्टि माने अव्यक्त का व्यक्त होना, अनमैनिफेस्ट, वॉट एवर इज अनमैनिफेस्ट दैट बिकम्स मैनिफेस्ट, जो अव्यक्त है वो व्यक्त हो जाता है, इसको हम सृष्टि कहते हैं, नाश भी क्या है, नाश नशा अदर्शन, अदर्शन हो जाता है, जो व्यक्त है उसका अदर्शन होकर अव्यक्त बन जाता है, प्रपंच ये जागृत प्रपंच क्या है, स्वप्न अवस्था में अव्यक्त हो जाता है, स्वप्न प्रपंच भी सुषुप्ति अवस्था में अव्यक्त हो जाता है, पुनः सृष्टि हो जाती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं सृष्टि माने क्या, अभी ये नित्य नित्य प्रलय नित्य सृष्टि कहते हैं, जागृत अवस्था में जैसे प्रपंच था वैसे ही उत्पन्न हो रहा है, तो घटा घटा आपने रखा है बगल में, अगर आपने घट रखा है, घट में पानी पीते हो आप, घट रखा है सो गए, घट तो विलीन हो गया सुषुप्ति में, पुनः जब भी प्रातः काल में आप उठते हो पानी पीना आप देखते हो तभी घट तो ही है, तो कभी आप कहेंगे कि घटादि नहीं है, घटादिकम वस्तु नास्ति कब कहेंगे, नहीं कह सकते, ऐसा व्यवहार योग्य काल ही नहीं है, तो घट जैसे था वैसे ही ये पुनः उत्पत्ति उसकी हो रही है, जब भी आप जाग गए तभी पुनः उत्पत्ति हो रही है, वैसे ही पूरे प्रपंच की पुनः व्यक्त रूप में होना, उसको सृष्टि जो कहते, पुनः सृष्टि कल्पांत में हो जाती है, कल्प के अंत में बीज रूप में चले जाते हैं, कल्प के आदि में पुनः उत्पत्ति हो जाती है, इसीलिए क्या है कि प्रवाह नित्यत्व में, इसीलिए क्या कहेंगे नित्य है, कैसे नित्य, प्रवाह नित्य, प्रवाह नित्य और नित्य नित्य माने सत्य में ही नित्य होना, इसमें भेद है, क्या भेद है, एक का अंत होगा दूसरे का अंत नहीं होगा, अंत कैसे होगा, बाद से हो जाएगा, अभी ब्रह्म ज्ञान से, अभी रज्जु, रज्जु क्या, रज्जु सर्प का ही उदाहरण लीजिए, रज्जु के ज्ञान से सर्प का बाद हो जाएगा कि रज्जु का भी बाद होगा, सर्प का रज्जु ही आप होता नहीं है, देख रहे सर्प देख रहे, तभी सर्प क्या का भी कहेंगे ध्यान, सर्प सर्प का का भी बाद ध्यान हो होता है। जाएगा, सर्प दिखेगा उसके बाद, हो सकता है सर्प का डर रहे कि भीति है, पसीना छूट रहा है, कांप रहे हैं, सर्प काट ना ले, ऐसा रहेगा, हो सकता है वो थोड़ी समय तक रहेगा, थोड़े समय तक, किंतु सर्प की प्रतीति नहीं होगा, रज्जु दिख रहा है, रज्जु दिख रहा है, रज्जु से रज्जु का तो बाद नहीं होगा, ठीक है, रज्जु का और किसी ज्ञान से बाद होगा क्या, वही कह देगा आपको रज्जु है, अरे ये रज्जु नहीं है, आपको तो रज्जु ही दिखेगा, कोई भी कुछ भी कहे, या भूचित रह कह देगा तो भी उसका नाश नहीं होगा, तो सर्प और सर्प ज्ञान का नाश हो गया, रज्जु और रज्जु ज्ञान का नाश नहीं होगा, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान से प्रपंच का तो बाद हो जाएगा, इसलिए प्रपंच घटादि प्रपंच जो है ये इसका बाद हो जाएगा, जीव का बाद हो जाएगा, ईश्वर का बाद हो जाएगा, ईश्वर और जीव में जो भेद है उसका बाद हो जाएगा, चैतन्य और
अविद्या, अविद्या का बाद हो जाएगा, क्योंकि विद्या जब भी होगी तो अविद्या तो नहीं रहेगी, अविद्या का बाद हो जाएगा, और अविद्या और चैतन्य का संबंध जो है उसका भी बाद हो जाएगा, क्योंकि अविद्या है ही नहीं तो संयोग किसके साथ होगा, जीव है ही नहीं, ईश्वर है नहीं तो भेद किसके साथ हो जाएगा। इसीलिए क्या है कि जब ये अविद्या का बाद हो जाएगा, जीव और ईश्वर का भी बाद हो जाएगा, जीव भाव चला जाएगा, जीव भाव नहीं है तो प्रपंच भी नहीं है, प्रपंच का सृष्टिकर्ता जो है, प्रपंच का सृष्टिकर्ता जो है, स्थितिकर्ता लयकर्ता ईश्वर, उसकी अपेक्षा है नहीं, तो ज्ञान से उसका भी बाद हो जाएगा ईश्वर का। ब्रह्म चैतन्य जो स्वरूप में मैं हूं, जीव जो ब्रह्म स्वरूप से ही सच्चिदानंद ब्रह्म है वो पता चल जाएगा, उसका तो बाद नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा था जो जो बाद कर रहा है, जिसको ज्ञान की उत्पत्ति होगी और जिसका अविद्या का निवारण होगा, वो कैसे चला जाएगा, वो तो नहीं जाएगा, तो ब्रह्म चैतन्य रह जाएगा, वो नित्य है, वस्तुतः नित्य है, सत्यत्वेन नित्य है, बाकी सब है, क्या है, सबका प्रवाह नित्यत्व हो जाएगा, नित्य है, कैसे नित्य है, प्रवाह नित्य, तो अनादि है किंतु शांत है, कैसे शांत है, ज्ञानेन बाधा ज्ञान तेषां सर्वेषां ज्ञानेन बाधा पंचानाम, छठा जो है, छठा कौन, ब्रह्म विशुद्धा चित्त जो है उसका बाद नहीं हुआ, क्योंकि वो तो स्वरूप में है, ठीक है। ये 6 को 7 में मिला के बताने से थोड़ा सा ये होता है, जीव ब्रह्म, जीव ईश्वर ब्रह्म और उसकी भेद, ये चार, ये देखिए चारों जीव, को एक, ये जिसके अंदर जीव ईश्वर ये सब नित्य नहीं है किंतु इसको अनादि कहते हैं, लेकिन ब्रह्म नित्य है इसको भी अनादि कहते हैं, और ये बाकी तीनों को, मतलब ये 6 को 7 में मिला के रखने से थोड़ा सा ये विरोधाभास लगा माइंड में, और हाँ उससे अभी हाँ ठीक है ना, अभी हाँ समझ में आया जी ना, क्योंकि हाँ जी ये ब्रह्म को छोड़कर, तीसरा ये ब्रह्म को छोड़कर बाकी हाँ सब क्या है, देखिए ब्रह्म सत्य है, अविद्या क्या है, अविद्या ब्रह्म में ही है, क्यों ला रहे हैं हम लोग, हम क्योंकि प्रपंच की प्रतीति हो रही है, ये सब क्या है कि ये कहाँ से है, ब्रह्म की दृष्टि से तो कुछ नहीं है, ये हमारी दृष्टि से है, हमारी दृष्टि माने संसार दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि में प्रपंच प्रतीत हो रहा है, तो प्रपंच का कर्ता कौन है, हम कहेंगे ब्रह्म है, अगर ब्रह्म कहेंगे ब्रह्म तो निर्गुण है, निर्गुण ब्रह्म तो कुछ नहीं कर सकता, तो उसमें गुण लाना पड़ेगा, तो क्या गुण लाते हैं, अविद्या या माया लेकर गुण लेकर आते हैं, इसीलिए भगवत्पाद आचार्य क्या कहते हैं विवेक चूडामणि में कि कार्यानुमेय माया, कि कार्य प्रपंच जब तक है उससे अनुमान लगाना पड़ेगा कि ब्रह्म निर्गुण तो कर्ता नहीं बन सकता, इसीलिए सगुणत्व चाहिए, कर्तृत्व तो आ जाएगा, कर्तृत्व तो ब्रह्म में नहीं रहेगा, निर्गुण में नहीं तो नहीं रह सकता, कर्तृत्व तो एक गुण हो जाएगा, तो ब्रह्म निर्गुण नहीं रहेगा, तो इसीलिए ब्रह्म को सगुण देखना पड़ेगा, सगुण कैसे देखेंगे, तो इसके लिए माया करके कुछ कल्पना करती है श्रुति, बोलती है माया करके कुछ है, क्या है, सत भी नहीं है असत भी नहीं है, ब्रह्म से भिन्न है क्या, नहीं कह सकते भिन्न है, ब्रह्म से अभिन्न है क्या, कह सकते हैं क्या, वो भी नहीं कह सकते, तो श्रुति ये नहीं कहती कि ये ब्रह्म से भिन्न भिन्न या ब्रह्म से एक होकर एक माया है, श्रुति कुछ नहीं की, श्रुति कहती है एक माया है, क्या है माया, इसकी कल्पना करती है, कल्पित एक माया है, ब्रह्म कल्पित नहीं है, ब्रह्म में एक माया की कल्पना करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि प्रपंच दिख रहा है, कार्य है तो अगर मान रहे हैं तो कार्य के लिए कारण मानना पड़ेगा, कारण तो निर्गुण ब्रह्म नहीं हो सकता, तो गुण की कल्पना करते हैं, तो इसलिए अविद्या या माया की कल्पना करते हैं, कार्यानुमेया माया, और ये अगर एक बार माया कल्पित है ब्रह्म में होगी तो क्या हो जाता है, ब्रह्म का अविद्या के साथ कोई संबंध मानना पड़ेगा, बिना संबंध के तो कुछ नहीं रह सकता, अभी अगर आप अगर पत्ते के ऊपर पानी डाल रहे हो, देखिए जो कमल का पत्ता है उसके ऊपर पानी रहता नहीं है, गीला नहीं होता, वो तादात्म्य संबंध आध्यासिक है, वैसे देखें हम कि यहाँ पे आध्यासिक संबंध हो जाता है, कि संबंध कल्पित वस्तु के साथ अगर संबंध क्या होगा, वो भी कल्पित ही होगा, संबंध तो सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि जो वस्तु है अविद्या वही कल्पित है, तो संबंध मानेंगे संबंध भी कल्पित है, कोई दोष नहीं है, तो क्या कहते हैं, अभी जैसे पत्ते के ऊपर पानी रखा है, तो पानी अगर पत्ते को गीला भी नहीं करा है, किंतु संबंध तो आपको बताना पड़ेगा, क्या संबंध है, आधार आधेय भाव संबंध तो आपको दिखाना पड़ेगा, पत्ते के ऊपर है ना कहीं तो है तो संबंध हो जाएगा, तो वैसा संबंध इधर मानना पड़ेगा कि ब्रह्म और अविद्या के बीच में कोई संयोग है, क्या संयोग है जिससे सगुण बन जाता है निर्गुण ब्रह्म, तो वो है क्या, अविद्या और चैतन्य का संबंध, उसको भी आपको अनादि मानना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म
साथ अविद्या अनादि हो जाएगी और उसके साथ उनमें संबंध भी अनादि मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे अनादि तो क्या होगा कि कभी काल में अगर संबंध हो गया तो ऐसा काल पुनः आ सकता है। कभी तो अगर संबंध उत्पत्ति होगी जिससे बंधा आ गया तो वो कभी भी आ जाए, मोक्ष के भेद भाई तो कि इतना प्रयास क्यों करेंगे, मोक्ष नित्य नहीं होगा फिर। इसीलिए क्या है कि ब्रह्म और अविद्या का संबंध भी माना गया है नित्य, अनादि, नित्य नहीं अनादि। उसके बाद क्या है कि ब्रह्म और अविद्या संबंध हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो जिस जहां पे ब्रह्म और अविद्या के संबंध से प्रपंच की उत्पत्ति होगी उस प्रपंच में जो सृष्टृत्व भाव है उसको ईश्वर कहेंगे, वो बन जाएगा सृष्टि स्थिति लय कारण सगुण ब्रह्म, उसी को ईश्वर करके नाम दे दिया। और जो अहंकार आदि के साथ संबंध लेकर जुड़ गया वो संसारी बन जाता है, उसको जीव कहेंगे। तो इसीलिए एक ही ब्रह्म अविद्या के वश से ईश्वर और जीव बन गया। तो जीव और ईश्वर का यदि संबंध अनादि हो गया तो जीव और ईश्वर की उत्पत्ति भी अनादि होगी, दोनों अनादि हो गए, तो ये पांच अनादि हो गए। अभी जीव और ईश्वर में जो जो भाव निकल आया है, ऐसा जीव का भाव संसारी और असंसारी ईश्वर, इन दोनों में भेद भी क्या है, जब भी जीव की उत्पत्ति हुई ईश्वर की उत्पत्ति हुई वैसे अनादि उत्पत्ति, उत्पत्ति नहीं कहेंगे उसको, अनादि है, तो उनमें संबंध भी क्या है कि उत्पन्न तो नहीं होगा, भेद जो है संबंध नहीं भेद, उनमें दोनों में भेद भी क्या है, अगर भेद नहीं होता तो मुक्त हो जाता। ये जीव अगर ईश्वर में भेद नहीं मानता तो कभी भी ये मुक्त होता, पर तो अनादि जीव और अनादि ईश्वर है क्योंकि अविद्या अनादि है और ब्रह्मा अनादि है, उनमें संयोग भी अनादि है, तो उससे जीव और ईश्वर अगर अनादि हो गए तो उन दोनों में भेद भी क्या है, अनादि ही होगा। ऐसे अनादि की कल्पना की। उसके बाद क्या कहते हैं कि ये परस्पर जो भेद और संबंध और इन सब का जो अनादित्व है उनमें भेद करते हैं कि ब्रह्म क्या है कि सत्य, सत्य अनादि है, ये कभी भी अनादि और सत्य नित्य है, नित्य नित्य, कि इसका कभी भी अदर्शन भी नहीं होता, नाश भी नहीं होता, सुषुप्ति में भी अदर्शन नहीं होता, कोमा में जाता है कोई तभी भी ब्रह्म का चैतन्य का अदर्शन नहीं होता। इसीलिए क्या है कि ब्रह्म क्या है कि स्वरूपतः नित्य है पर बाकी स्वरूप से नित्य नहीं है, वो उनका प्रवाह नित्यत्व में अनादि है पर इनका बाद हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान से, ऐसा कहा। तो इसीलिए देखिए अभी आगे बता रहे, प्रलय काले एवं आत्मातिरिक्त सर्व वस्तु प्रवाह अपि अनादि ही, तो आत्म ब्रह्मात्म जो है उससे अतिरिक्त उससे भिन्न सर्व वस्तु, कोई भी वस्तु ले आप उनका सब क्या है, प्रवाह अनादि है, कभी भी प्रवाह चल रहा है, कभी भी चल रहा है ये। जब तक हमको ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तो ये संसरण तो चल रहा है अनादि काल से, जन्म जन्मांतर से चल रहा है, भिन्न भिन्न प्राणी रूप में, पक्षी रूप में, मनुष्य देव इत्यादि रूप में चल रहा है। तो इसीलिए प्रलय काले अपि सुषुप्तौ इव, जैसे सुषुप्ति में सर्वम जगत संस्कार रूपेण स्वकारणे वर्तते, अपने ही कारण में बीज रूप संस्कार बीज रूप में रह जाता है सुषुप्ति में, इसीलिए जागृत अवस्था में पुनः देखते हैं, अरे ये तो मैं इस शरीर में हूं और ये सब जो है मेरे भाई बंधु हैं और ये प्रपंच है, कैसे है जैसे कल रात था वैसे ही है। ये जो भान होता है ये क्यों होता है, क्योंकि प्रलय काल में भी सुषुप्ति में जैसे होता है वैसे ही प्रलय काल में भी होता है कि ईश्वर में ये सब रह जाता है, जैसे सुषुप्ति में पूरा प्रपंच जीव में रह जाता है वैसे ही प्रलय काल में पूरा प्रपंच संपूर्ण प्रपंच बीज अवस्था में ईश्वर में रह जाता है, ईश्वर में माने अविद्या के बीज रूप में माया में। तस्मात प्रपंच प्रवाह से अनादि काल सिद्धत्वात् प्रपंच अनादि ही, इसीलिए प्रपंच को भी अनादि कह दिया। देखिए प्रपंच क्या है, जीव की में प्रपंच है कि नहीं, जीव में प्रपंच होगा क्योंकि अहंकार जो है ये व्यष्टि जो है, व्यष्टि प्रपंच जो है जीव के अंतर्गत है, इसीलिए जीव अनादि है, उसमें प्रपंच का जो भाग है अहंकार आदि का वो प्रपंच का भाग है, वो तो अनादि हो जाएगा जीव कहने से ही हो गया, और ईश्वर कहने से समष्टि जो प्रपंच है उसका सृष्टि करता है ईश्वर, इसीलिए ईश्वर अगर ईश्वर का लक्षण ही है सृष्टि करता जगत का, तो ये जगत जो है ईश्वर उसका कारण है, तो वो भी अनादि हो जाएगा,
नहीं तो ईश्वर की अपेक्षा नहीं है, अगर प्रपंच नहीं है तो ईश्वर की अपेक्षा क्यों है? बिना प्रपंच के तो ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर का लक्षण क्या है? ब्रह्म सूत्र में दिया है, जन्माद्यस्यता, वही ब्रह्म है, वही सगुण ब्रह्म ईश्वर है, जन्म आदि जिससे होते हैं वो, और जन्म किसका? प्रपंच का। अगर प्रपंच ही नहीं है तो जन्म किसकी बात करेंगे? इसलिए ईश्वर सिद्ध नहीं होगा, ईश्वर भी प्रपंच की दृष्टि से अपेक्षा रखते हैं। तो क्या है कि प्रलय काल में जैसे सुषुप्ति काल में, वैसे ही प्रलय काल में भी प्रपंच संसार जो है वो संस्कार रूप में, बीज रूप में रह जाता है। तस्मात प्रपंच प्रवास्य अनादि काल सिद्धत्वात् प्रपंच अनादि। और ये अनादि काल क्या कह रहे हैं उसमें टिप्पण कहते हैं, अनादि काल सिद्धत्वात् चिरकाल अवस्थायित्वाच्च प्रपंच सत्यः इति आक्षेपस्य एवं समाधान। अभी देखिए आपने जो आक्षेप किया ये पूर्व पक्षी कर रहा है, आपका जो चिंता आई थी ये पूर्व पक्षी कर रहा है। क्या कर रहा है पूर्व पक्षी? पूर्व पक्षी कहते प्रपंच सत्य हो जाएगा, तुम प्रपंच सत्य कह जी, आप मिथ्या क्यों कहते हैं? प्रपंच मिथ्या है कि सत्य है करके आक्षेप करता है पूर्व पक्षी। सिद्धांती कहता है मिथ्या है। अरे ऐसे कैसे मिथ्या है? आपने कहा अनादि है, अनादि काल सिद्धत्वात् कस्य प्रपंचस्य, प्रपंच अनादि काल सिद्ध हो गया आपने कहा मूल में कहा, तो अभी कैसे कह रहे हैं कि आप मिथ्या है, अनादि है तो सत्य हो जाएगा, क्यों? चिरकाल अवस्थायित्वाच्च, आपने प्रवाह नित्यत्वम कहा, तो ये कभी भी रहेगा, बीज अवस्था में भी रहेगा फिर उत्पन्न हो जाएगा। तो अगर ये चिरकाल अवस्था ही है प्रपंच और अनादि काल से है, तो आप क्यों कहते हैं कि ये मिथ्या है, ये सत्य है? प्रपंच सत्य कह दीजिए। तो इति आक्षेपस्य एवं समाधान, सिद्धांति कहता है उसके लिए समाधान देते हैं हम। उत्तर क्या है? रज्जु सर्पादि भ्रम स्वप्न भ्रमश्च सर्वजन साधारण। तो कहते हैं रज्जु का सर्प, रज्जु में सर्प का भ्रम तो सभी को हो सकता है, मानते हैं। स्वप्न भ्रम भी क्या है कि स्वप्न तो सभी को होता है, इसीलिए कोई भी उदाहरण ले लीजिए करके सिद्धांती कह रहा है। ये तो है अनुभव, तो पूर्व पक्षी कहेगा हाँ अनुभव तो है। सच अनियमेन एक घटिका प्रभृति अनेक याम अवस्थाई भवति। तो ये कह नहीं सकते कि कब तक सर्प भ्रम रहेगा या स्वप्न कितने देर चलेगा। 15 मिनट में भी स्वप्न समाप्त हो सकता है और एक क्षण में भी हो सकता है, घंटों भी रह सकता है स्वप्न। स्वप्न में जो काल है और जागृत में जो काल है उसका कोई संबंध नहीं है। ऐसे ये नहीं कह सकते सपने सपने में अगर 1 घंटा सपना देखा तो यहाँ पे 1 घंटा होना चाहिए, जागृत काल और उसका कोई संबंध नहीं है। तो चिरकाल स्थायी हो सकता है, अनेक याम अवस्थाई भी हो सकता है, स्वप्न भ्रम भी वैसे ही है, हो सकता है भ्रम कोई बताने वाला नहीं तो ये सर्प देखकर आ गया, सर्प का भ्रम रह जाता है, दिन भर वही सर्प ही देखेगा, हो सकता है एक क्षण में नाश हो गया, किसी ने कह दिया अरे ये तो रज्जू है क्यों डर रहे हो, सर्प नहीं है, उठा के ही दिखा दिए देखो रज्जू है, तो क्या है कि एक क्षण में भी चला सकता है। तो ये एक घटिका तक भी रह जाएगा या अनेक याम लंबे समय तक करके ले लीजिए, घंटों भी रह सकता है। पूर्व सिद्धत्वेन अनादि सिद्धत्वेन च भाति। तो ये पूर्व सिद्ध कब तक, कब से सर्प, इसीलिए कल मैंने कहा था और आज भी कहा आपको उत्तर है, भूत काल में सर्प होना चाहिए जब तो प्रतीति हो रही है, वर्तमान में सर्प दिख रहा है तो आप पूछेंगे अरे सर्प कहाँ से आ गया, अरे कहीं तो होगा बिल में होगा, भूत काल में था इसीलिए आया है। तो ये क्या कि पूर्व सिद्ध हो गया और अनादि सिद्ध भी, स्वप्न में भी क्या है कि अनादि सिद्ध है, प्रपंच कब से है स्वप्न प्रपंच, अरे कभी भी है, मैंने तो इसमें जन्म लिया है, प्रपंच में मैंने जन्म लिया जागृत अवस्था में, स्वप्न प्रपंच में भी मैंने जन्म लिया है, तो स्वप्न प्रपंच कब से, मुझसे पहले तो अनादि काल से है, तो अनादि सिद्धत्वेन च भाति, ये भान हो रहा है प्रतीति मात्र है ऐसा, तथापि तो ये नित्य हो जाएगा क्या, सत्य हो जाएगा क्या, नहीं, तथापि रज्जु तत्व साक्षात्कारे सति जागृत प्रबोधे च सति। तो रज्जु तत्व का अधिष्ठान का साक्षात्कार अब जब भी हो गया तभी सर्प रहेगा क्या, नहीं रहेगा, जागृत प्रबोधे स्वप्न प्रपंच रहेगा क्या, जो अनादि है सत्य कहेंगे उसको, नहीं रहेगा। पूर्व सिद्धत्वेन भाति अनादि सिद्धत्वेन भाति किंतु जागृत प्रबोधे च सति या रज्जु सत्व साक्षात्कारे च सति रजत स्वप्नादीनां त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व निश्चयः जायते। तो जब ही रजत का बाद हो जाएगा किससे, रज्जु तत्व साक्षात्कार से, रज्जु रज्जु करके ज्ञान हो गया, रज्जु का ही रज्जु रूप से ज्ञान हो गया, तो रजत का भ्रम जब अभी चला जाएगा
तभी क्या कहेंगे, पूर्व सिद्ध था, अनादि सिद्ध था क्या रजत? नहीं था, कभी था, कभी भी नहीं था। जब भी दिख रहा था तभी भी जो देखेगा करे ये तो रज्जु है या सर्प, रज्जु तत्व से यहाँ पे रजत दिया है, यहाँ पे सर्प होना चाहिए, यहाँ पे रजत दिया है क्योंकि रज्जु का उदाहरण लिया है, तो रज्जु तत्व साक्षात करे सर्प होना चाहिए यहाँ पे, रजत नहीं, या तो रज्जु की जगह शुक्ति का पढ़िए, तो ये यहाँ पे दोष है। तो जब भी रज्जु में सर्प का भ्रम हो रहा है सर्प चला जाएगा, और रज्जु साक्षात्कार से रजत का भ्रम नहीं जाएगा, शुक्ति का साक्षात्कार से जाएगा। तो शुक्ति का तत्व साक्षात्कार है रजत, या रज्जु सत्व साक्षात्कार है सर्प, सर्प स्वप्नादि नाम करके पढ़िए, या तो रज्जु की जगह शुक्ति का पढ़िए, या तो रज्जु शुक्ति का तत्व साक्षात्कार है सर्प रजत पढ़िए। तो तभी क्या होगा, तभी कहेंगे कि पूर्व सिद्ध तो नहीं था, अनादि सिद्ध, और ऐसे भाति प्रतिभान जो हो रहा था, भाषण हो रहा था, वो भी मिथ्या था, तो था ही नहीं कभी भी सर्प, रज्जु में सर्प कभी भी नहीं था, शुक्तिका में रजत कभी भी नहीं था, और जागृत प्रबोधे स्वप्न प्रपंच कभी भी नहीं था। स्वप्न अवस्था में आप कहेंगे अरे स्वप्न में तो सब रो रहे थे, मैं एक ही ठीक था, उनकी मदद करने जा रहा था, मदद मैं सोच रहा था कि उनको उनके कुछ दान करूंगा, उनकी मदद करूंगा, किंतु जाग गया तभी रोते हैं कि अरे इतना दुख हो रहा है, उनका क्या होगा। तो जो दुखी थे उनकी उनका आप सहाय करना चाहते थे, आप जाग गए तब जाकर आप सहाय नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो तो सच था ही नहीं, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं अरे ज्ञानी बन गया वो तो संसार में इतना दुख है, वो तो कुछ कर नहीं रहा है, संसारी लोगों के लिए क्या कर रहा है, गुफा में बैठ गया या तो अपने आश्रम में बैठकर बस वेदांत का पाठ चल रहा है, संसार में इतना दुख है, युद्ध चल रहा है यहाँ वहां, उसका कुछ ज्ञानी कैसा कैसा मनुष्य है? अरे मनुष्य ही नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि में ये सब सत्य नहीं है, कहीं कोई दुखी है ये है ठीक है, अगर ज्ञानी के संपर्क में आता है हो सकता है ज्ञानी का ज्ञानी ज्ञानी तभी भी जाके लोक संग्रह के लिए करे, किंतु क्या है स्वप्न दृष्टि जब ही रह जाती है, स्वप्न सत्य नहीं होता, जब ही देख रहे तब तक ठीक है, पर स्वप्न से वो जाग गया है, जो स्वप्न देख रहा है उसको तो दुख है, पर स्वप्न से जागने के बाद जो बाकी दुखी है उनकी मैं उनका मैं सहाय करना चाहता हूँ, ये नहीं सोच सकते आप, क्योंकि आपको पता है कि वो त्रैकालिक बाद हो गया, इसीलिए कहते हैं त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व निश्चय जायते, कि कैसा निषेध हो जाता है, त्रैकाल तीनों काल में निषेध हो जाता है, ऐसा नहीं कि अभी गया है सर्प, अभी रजत नहीं है, अभी दुख संसार में या स्वप्न में नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, कभी भी नहीं था, इसीलिए क्या है त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व निश्चय, ऐसा निश्चय हो जाता है कि ये प्रतियोगी है किसके लिए, कि ये जागृत प्रपंच भी चला जाएगा करके ही हम आगे उदाहृत में दे देंगे, एवमेव प्रपंच अध्यासोपि, प्रपंच का जो अध्यास है वो स्वप्न काल में जैसे वैसे ही बद्ध अवस्था में अज्ञान काल में प्रतीत हो रहा है, इसलिए पूर्व सिद्ध भी है और अनादि भी है, पूर्व सिद्धत्वेन अनादि सिद्धत्वेन च प्रपंच अध्यास अपि भाति, अभी जागृत अवस्था में, किंतु क्या होगा भ्रमदशायाम अनादिरिव सत्यैव च भाति, भ्रम जो भी है जब तक अविद्या चल रही है तब तक क्या हो जाए अविद्या का प्रभाव से भ्रम जो है अध्यास हो रहा है प्रपंच का, इसलिए सत्यैव च भाति, तत्वावबोधे सति तु, जब ये तत्व का अवबोध हो जाएगा ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी, तत्व माने ब्रह्म तत्व अधिष्ठान तत्व, मेरा स्वरूप जब ये ज्ञात हो जाएगा तभी क्या हो जाएगा तत्वावबोधे सति तु कालत्रय अपि नास्ति, त्रैकालिक निषेध हो जाएगा, इसका त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व निश्चय हो जाएगा, ये तीनों काल में नहीं है, नास्ति इति निश्चय जायते, तीनों काल में नहीं है, कहां दुख था जो चला गया, दुख ही नहीं था, क्योंकि मैं सदा सर्वदा ही ब्रह्म स्वरूप में सच्चिदानंद स्वरूप में था हूं और रहूंगा, तस्मात् प्रपंचः मिथ्या, इसीलिए प्रपंच सत्य नहीं मिथ्या है, अनादि इसका अर्थ ही नहीं कि बाद नहीं होगा, बाद हो जाएगा, जिसका बाद नहीं होगा वो मैं स्वरूप से ब्रह्म सच्चिदानंद हूं
और जिसका बाद हो जाएगा प्रपंच का बाद हो जाएगा, तो जीव के साथ अहंकार रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ईश्वर के साथ सृष्टि करने लायक कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो जीव और ईश्वर का भी बाद हो जाएगा, उनमें भेद रह जाएगा, उसका भी बाद हो जाएगा। ठीक है, चैतन्य और अविद्या का संबंध रहेगा, अविद्या का तो नाश हो गया, तो संबंध कहाँ से होगा? तो संबंध का भी नाश हो जाएगा। इसीलिए जिसका बाद हो गया वो पांचों अनित्य सिद्ध हो जाएंगे। तस्मात प्रपंच मिथ्या, और बाकी पांच भी मिथ्या है ब्रह्म को छोड़कर। ब्रह्म एकमेव सत्यम, तद भिन्नम तद अतिरिक्तम सर्वम मिथ्या। ये नित्यानित्य वस्तु विवेक तत्व बोध में ही आ जाता है, तत्व बोध ग्रंथ में। ये तत्व बोध, तत्वावबोध नहीं, तत्व बोध ग्रंथ में, जो जो मूल ग्रंथ है उसमें ही आ जाता है। तो तस्मात प्रपंच प्रवाह से अनादि काल सिद्धत्वात् प्रपंच अनादि, किंतु क्या है, मिथ्या ही रह जाएगा, सत्य नहीं होगा। ईदृक् ज्ञान शून्यस्य एव प्रथमाध्यास हेतुभूत संस्कार न युज्यते इति शंका जायेत। तो अब जाकर सिद्धांती ने पूर्व पक्षी के आरोप को जाकर जोड़ दिया संदर्भ। पूर्व पक्षी ने क्या आरोप किया था कि ठीक है, आपका जो संस्कार जो है, जो अध्यास के लिए कारण बन रहा है, वो तो पूर्व पूर्व संस्कार उत्तर उत्तर भ्रम के लिए कारण बन रहा है, बंध के लिए। आपने कहा तब तक ठीक है जब तक आप सबसे प्रथमा भ्रम का निरूपण नहीं करेंगे, वहां मीमांसा नहीं करेंगे। जब ही वहां आप सोच लगाएंगे, विचार करेंगे, तो आपको दिखेगा कि प्रथम क्षण में संस्कार ही नहीं था। प्राथमिक अध्यास हेतुरेव संस्कार हुए थे, हेतुरेव नास्ति, ऐसे आरोप किया था। तो सिद्धांती क्या कह रहे हैं, प्रवाह नित्य है, अनादि काल से है, इसीलिए ईदृग ज्ञान शून्य से एव, ईदृग ज्ञान ज्ञान शून्य से, कि सिद्धांत में छह अनादि है, कभी भी प्राथमिक काल भी नहीं था और प्राथमिक अध्यास ही नहीं था, प्राथमिक भ्रम करके कुछ था ही नहीं। क्योंकि हर भ्रम के लिए, प्रत्येक भ्रम के लिए उसके पहले संस्कार था ही, क्योंकि अनादि काल से चल रहा है। इसीलिए ईदृग् ज्ञान शून्य से, जिसको ये पता नहीं है वो क्या कह सकता है, वही ऐसा कहेगा प्रथम अध्यास हेतुभूत संस्कार न युज्यते, कि प्रथम अध्यास का हेतु जो है संस्कार वो नहीं था, ऐसे वही कह सकता है जिसको षडनादि नहीं पता, सिद्धांत नहीं पता। इति शंका जायेत, बाकियों को नहीं आएगी शंका, इसीलिए वो शंका का भी समाधान कर दिया कि शंका ठीक ही नहीं है। इसीलिए क्या कहते हैं, वेदांत सिद्धांते न कोप्य अध्यास अयमेव प्रथम अध्यास इति वक्तुम शक्यते। तो न वक्तुम शक्यते, ऐसा कह ही नहीं सकते कि अयमेव प्रथम अध्यास, ऐसा पहला करके था ही नहीं, हो भी नहीं सकता कभी भी। किंतु सर्व अपि उत्तर उत्तर अध्यास एव, पूर्व पूर्व अध्यास का उत्तर उत्तर अध्यास होगा, किंतु प्राथमिक अध्यास होगा ही नहीं। हर अध्यास के लिए, प्रत्येक अध्यास के लिए पहले कोई अध्यास का संस्कार रहेगा। क्यों? स्व पूर्व पूर्व अध्यास कार्यमेव, सभी क्या है, स्व पूर्व पूर्व अध्यास कार्य है, पहले अध्यास के संस्कार कार्य है। अभी का जो अध्यास है, भ्रम जो है प्रपंच का, वो पूर्व अनुभूत प्रपंच बंध का संस्कार कारण बनकर उसका कार्य है। तस्माद् इयं शंका एव नियुक्त, ये शंका ठीक ही नहीं है, इसका उत्तर हम देना भी नहीं चाहते थे, पर हमने दिया, क्योंकि ऐसे बाकियों की भी शंका होगी कि पहले कैसे हुआ था, कैसे संसार प्राप्त हुआ, संसार कभी प्राप्त हुआ ही नहीं था, अनादि काल से है, ऐसे उत्पत्ति हुई नहीं थी किसी की। तथा च पूर्वोक्त रीत्या एव सजातीय वस्तुनः पूर्वानुभव जन्य संस्कार मात्रेण अहंकार आदि बंधाध्यास संभवती। तो अंत में कह रहे, तथा च पूर्वोक्त रीत्या एव, जैसे पहले कहा था कि अनुभव क्या है, सत्य वस्तु का हो या मिथ्या वस्तु का हो, ब्रह्म को छोड़कर कोई सत्य वस्तु है ही नहीं, इसीलिए सभी ब्रह्म अतिरिक्त सभी मिथ्या है, इसीलिए जो जो संस्कार है वो सभी मिथ्या वस्तु अनुभव जन्य ही है, और उससे ब्रह्म की उत्पत्ति हो रही है। इसलिए पूर्वोक्त रीत्या एव सजातीय वस्तु न, उससे सजातीय जो है वैसे ही वस्तु का अनुभव हो रहा है, पूर्व अनुभव जन्य संस्कार मात्रेण अहंकार आदि बंधाध्यास संभवति।
तो पूर्व अनुभूत जो है वो सजातीय वस्तु है, अभी जो दिख रहा है उससे सजातीय का अनुभव हुआ था, मिथ्या, वो भी मिथ्या था। तो मिथ्या पूर्व अनुभव जो अनुभूत मिथ्या वस्तु है उससे जो जन्य संस्कार है, वो संस्कार मात्र है ना, केवल उस संस्कार से अहंकार आदि का बंध अध्यास, अहंकार आदि ही बंध है और उस वो अध्यास है, अध्यास ही है, अध्यस्त है, अध्यास संभव है, संभवती। 94 हम अगले पाठ में देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो पहले कहा था पूर्व पक्षी में कि दोष है, क्या प्रमाणगत दोष होना चाहिए, प्रमेयगत, प्रमात्रगत, ये तीन दोष बताए थे, तो ये दोष त्रय जो बताए थे उसका निवारण करेंगे कि ऐसे दोष है नहीं जिससे आपकी सामग्री बनेगी, जिससे अध्यास हो जाएगा, सामग्री नहीं है। प्रमात्र दोष आपको बताना पड़ेगा, प्रमाण दोष बताना पड़ेगा और प्रमेय दोष बताना पड़ेगा, ऐसे पूर्व पक्षी में कहा था। तो कहते सादृश्य दोष, सादृश्य होना चाहिए इत्यादि जो है नावश्य, नावश्यम अध्यास हेतु, इसकी अपेक्षा नहीं है, हम बतलाएंगे करके सिद्धांती कहेगा कि आपने जो कहा था कि सामग्री में इतना सब नहीं है, उसमें ये तीन दोष भी होने चाहिए, वो दिखलाइए, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये पूर्व पक्ष लेकर उत्तर देंगे, इसमें उदाहरण पूर्व पक्ष का लेकर उसका निवारण करेंगे, अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम अपारं सर्वेदांत वेद्यं प्रत्येक परम महा तदेव अहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद, नमस्कार गुरुजी, धन्यवाद। नमस्कार।